बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। उम्मीद काफ़ी आप लोग खैर करियत से होंगे। तकरीबन 11 बज रहे हैं और इस टाइम मैं जा रहा हूँ QNB बैंक। अकाउंट में पेमेंट नहीं थी तो ये सामने जो सुनोनों वाला डब्बा नज़र आ रहा है, ये ड्राइवर मेरे पास काम करता है, इंडिया का है, तमिलनाडु। तो इसको मैंने वीज़े दिए थे 5, तो अब उनके वीज़े रेडी टू प्रिंट आ गए हैं। और मैंने इसको फिर बुलाया था, मैंने कहा आज मैं आपको प्रिंट निकाल के देता हूँ। वो कतर बैंक में जाएंगे, पेमेंट जो है वो डिपॉजिट करनी है मैंने, क्योंकि वो ऑनलाइन ही पेड करना पड़ता है, पे करना पड़ता है वीज़े की फ़ीस। तो उसको पे करके फिर इसको प्रिंट निकाल दूँगा। टोटल इसको 5 दिए थे मैंने, अब 5 और आए हुए हैं, तो टोटल इसको इसके पास 10 हो जाएंगे। फिर दोबारा अप्लाई करना है इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि 100 जो है ना वो इसी साल में हम कंप्लीट कर लें 100 राइडर्स। तो अभी मैं बैंक जा रहा हूँ और आज ऑफिस में लेट जाऊँगा, क्योंकि आज बाइक्स की डिलीवरी होनी है। जो बाइक्स में मैंने परचेज़ की थी उसकी डिलीवरी होनी है, उसका वेट कर रहा हूँ मैं। और फिर पूरे डॉक्यूमेंटेशन करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करके सब कुछ दे के फिर जो है मैं जाऊँगा सुनोनों के ऑफिस में। वहाँ पे मैंने इन लड़कों की ज्वाइनिंग करानी है इंशाल्लाह। तो फिर आप लोगों को मैं अपडेट देता हूँ। यार पेमेंट डिपॉजिट करके मैंने प्रिंट निकाल दिए और मैं अब जा रहा हूँ वापस रूम की तरफ। और बंदे से मैं बात करता हूँ कि जो बाइक्स हैं वो किस टाइम तक आएंगी। तो फिर मैं वो बाइक लेके उनका टोटल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करनी है, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा। तो ये हायरिंग हो जाए फिर थोड़ा सा सुकून आ जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो फिर जो पाकिस्तान, इंडिया, युगांडा, फिर उसके पीछे उनके पीछे लगूंगा मैं इंशाल्लाह। तो अपडेट देता हूँ मैं आप लोगों को। फाइनली हमारी बाइक्स आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल 7 बाइक्स हैं और 4 ये उसने लोड की हुई हैं। लास्ट टाइम जो बाइक्स मैंने मंगवाई थी वो थी, वो बड़े ट्रेलर पे आई थी, वो 5 का था। ये उन्होंने दूसरा सिस्टम लगाए हुए है, 3 ये, टोटल 7 बाइक्स हैं। तो अभी इनको हम पार्क करेंगे वहाँ पे और फिर बारी बारी सबको मैं बुलाऊंगा और ये लोग अपनी बाइक्स लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो है वो हम तकरीबन 30 बाइक्स का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि लड़के हमारे आ रहे हैं क्या नाम है, पाकिस्तान, इंडिया और युगांडा से। तो ये बाइक्स वो हैं जिनकी कल या परसों इंशाल्लाह सुनोनों के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी और ये बाइक्स उनको मैं दे दूँगा। इसको मैं इनको उतरवाता हूँ, फिर जो है आप लोगों को मैं अपडेट देता हूँ। बंदे में ले आया था उतारने के लिए, लेकिन ये इनके अपने खुद के बंदे आए हुए हैं और ये खुद ही उतार रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप लोग ना उतारें, हो सकता है आपसे बाइक जो है वो गिर जाए। तो सामने फिर पार्क कर रहे हैं। कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा लड़कों को बुला के, तो उनको मैं बाइक हैंड ओवर कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग का इशू आ रहा है मुझे। टोटल 2 बाइक्स इन्होंने पार्क कर दी हैं, ये सारी बाइक्स अपनी हैं, ये अपनी है और ये 2 बाइक्स अभी नई है। या यू कैन गिव मी, ओके ओके ओके, कोई मसला नहीं है। और ये होंडा यूनिकॉर्न ली हुई हैं पहले से मैंने, बाहर में मट्टी हो रही हैं, तो बस कल जो है ज्वाइनिंग में करा दूंगा इनकी। ये बाइक सारी चली जाएंगी, बॉक्स लगेंगे इन पर और नेक्स्ट जो है वो मैं अपडेट दूंगा।
यू नीड दिस वन पल्सर और यूनिकॉर्न दिस वन और दिस वन एनी नो प्रॉब्लम। ये हमारा इंडिया का लड़का है, इसका आज टेस्ट था क्या नाम है फाइनल, तो टेस्ट जो है वो क्लियर हो गया, पास हो गया। आज हमारे तीन लड़के पास हुए, तो टोटल हमारे पास जो बैकअप पे बैठे हुए हैं लड़के वो टोटल 5 हैं। और नहीं, मेरा ऑफिस जो है वो मंसूरा दे विच है, मंसूरा नियर मेट्रो स्टेशन। तुसी मैनू व्हाट्सएप करो, मैं तुहानू लोकेशन सेंड कर। नहीं हो यार, इत्थे मंसूरा इत्थे भी है, इत्थे हुण भगवान पूरा होया फिर वो भी उत्थे ही होएगा। कतर दी गल करो, इत्थे ऑफिस है मंसूरा नजमा एरिए देना। ठीक है, तुसी मैनू व्हाट्सएप करो, मैं तुहानू लोकेशन सेंड कर दिंदा। ठीक है, मसला नहीं है। गड्डी है तुहाडे कोल? गड्डी तां लाइसेंस है, गड्डी भी है लेकिन लाइसेंस नहीं ना। कल कितना है? अच्छा, गड्डी है तो साढ़े को जॉब है गड्डी दी, 15 रियाल डिलीवरी चार्ज दे रहे हैं। अच्छा, चलो मसला नहीं। ठीक है, इशू नहीं, इंशाल्लाह सार ताबेदार, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके जी। बाकी बच गई हैं जी 4 बाइक्स, फाइनली बाइक्स जो पार्क हो चुकी हैं। तो पल्सर भी पार्क हो गए हैं और यूनिकॉर्न भी साथ ठहरे हैं। अब जो लड़कों को यूनिकॉर्न पसंद होगा उसको यूनिकॉर्न देंगे, और जिन लड़कों को पल्सर पसंद होगा फिर उनको पल्सर दे देंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बाइक्स हैं टोटल और 15 बंदे हैं। एक बाइक्स फिर भी कम पड़ रही है, तो एक बाइक्स फिर लेते हैं, जुगाड़ शुगाड़ करके लेते हैं। फिलहाल आइडिया इनकी ओपन कराते हैं, इनको बॉक्स लगवाते हैं और इनको काम पे भेजते हैं इंशाल्लाह। इस टाइम मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और ऑफिस से मैंने उठाना है पासपोर्ट लड़कों के, क्योंकि उनकी आईडी नहीं आई हुई और कल मैंने उनकी ज्वाइनिंग करानी है, तो इसलिए मैंने सोचा पासपोर्ट उठा के एक टेम्परेरी इनके वो निकलेंगे क्या नाम है लाइसेंस, तो फिर इनकी मैं ज्वाइनिंग करा देता हूँ। तो ये है कि दोनों लग जाएंगे ना, दोनों बंदों की आईडी नहीं आई, बाकी सब काम ओके है, सब काम क्लियर है, डॉक्यूमेंटेशन सब कंप्लीट है। और अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस से, वही पासपोर्ट उठाऊँगा, और पासपोर्ट उठा के फिर मैं सुबह मैंने जाना है उठ के इनकी क्या नाम है लाइसेंस उठाने के लिए। तो कल थोड़ा सा काम मेरा ज़्यादा बिजी रहने वाला है, उसमें फिर देखता हूँ कि ज्वाइनिंग का क्या कहते हैं और बॉक्स का क्या कहते हैं। बॉक्स अगर वो मुझे नहीं लगा के देते हैं तो फिर मैं क्या नाम है प्राइवेट मुझे लगाने पड़ेंगे, और प्राइवेट महंगे हैं, लेकिन चलें ये है कि लड़के काम पे लग जाएंगे और बाद में देखेंगे फिर क्या होता है। फिलहाल वही वाइट बॉक्स हम लगा रहे हैं, अगर वो मुझे देते हैं तो, अगर वो नहीं देते हैं तो फिर हमें वाइट बॉक्सेस पे मूव करना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो जो भी होगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा जो सूरत हाल होगी। फ़िलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ और वहाँ से पासपोर्ट उठाता हूँ। मैं पासपोर्ट मैंने उठा लिए हैं और अभी मैं रूम की तरफ जा रहा हूँ, मैंने एक पेपर भी उठाना था ऑफिस से। हुई नींद आ रही है, आज बड़ा सोया हूँ मैं रज के, फिर भी नींद आ रही है। रूम पे जाऊँगा सुबह मैंने उठ के जाके 4 आदमियों की क्या नाम है लाइसेंस निकालने हैं, 2 के इसके निकलेंगे टेम्परेरी निकलेंगे और 2 के परमानेंट निकलेंगे जब तक उनकी आईडीज़ आती हैं। और
अभी जाके फिर उनका वो भी अप्लाई करना है, फूड हैंडलर सर्टिफिकेट, बाकी इंश्योरेंस वगैरह ये वो भी देखनी है उनकी। फिलहाल जो काम कर रहा हूँ मैं, वो मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह 15 बंदों की ज्वाइनिंग है और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को मैं अपडेट दूंगा। तो फिर इसी के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद काफ़ी आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो कतर से रिलेटेड तो ज़रूर करें। टाइम और इंफॉर्मेशन जितनी हुई तो इंशाल्लाह मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। कॉल मत किया करें, डायरेक्ट मैसेज कर दिया करें। जब मैं इजी होऊंगा तो आप लोगों को मैसेज कर दिया करूंगा, आंसर दे दिया करूंगा, चाहे वो एक आध दिन हो, दो दिन हो, तो फिर उसी हिसाब से ही। क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं और आप लोग डिटेल्स में जाते हो, कोशिश किया करें एक ही दफ़ा आप लोग एक ही क्वेश्चन कर लिया करें वॉइस के अंदर, तो आपको दे दिया करूँगा। ये बार बार एक एक मैसेज जब आप लोग करते हैं तो फिर उससे ये होता है कि मैं आपको बेहतर आंसर नहीं दे पाता हूँ। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।